समाप्त करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तीन राज्यों के सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके लिए इन राज्यों के सीनियर लीडर्स भी दिल्ली बुलाए गए हैं। बैठक में तीन राज्यों में चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर पीएम मोदी का सम्मान किया है। तो अब बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले सबसे पहले पीएम मोदी का सम्मान किया गया है, क्योंकि तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद ये पहली दफा पीएम मोदी का माला पहनाकर सम्मान किया गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाई और फिर सभी ने जोरदार तालियों के साथ पीएम मोदी का सम्मान किया है। तस्वीर देखिए, जहां आज संसदीय दल की बड़ी बैठक शुरू हुई है, लेकिन शुरू होने से पहले ये तस्वीर सामने निकलकर आई है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाई और फिर उनका सम्मान किया गया। ये देखिए, यहां पर जमकर नारेबाजी भी की जा रही है, पूरा खुशी का माहौल है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का सम्मान किया। जब बैठक में पीएम मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में पहले से ही वहां पर बड़े चेहरे मौजूद थे। तालियां बजाकर सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत किया गया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। तस्वीरें खास हैं क्योंकि आज बीजेपी में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखा गया। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद ये तस्वीर, जब पीएम मोदी का सम्मान किया गया है।